हेलो गाइस, वेलकम टू द मोटर शो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 अपकमिंग हैचबैक कारों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर है टाटा अल्टोरा सीवी। टाटा मोटर्स अब तक अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टियागो और कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च कर चुकी है। अब कंपनी अपने इलेक्ट्रिकल मार्केट को देखते हुए अल्टोरा सीवी को लॉन्च करने वाली है। टाटा मोटर्स ने इस साल के ऑटो एक्सपो में इसे शो किया गया था। टाटा अपकमिंग कार अल्टोरस का यहाँ प्रीमियम इलेक्ट्रिकल वर्जन होगा। इसे दो मोड में लॉन्च किया जाएगा, पहला नॉर्मल और दूसरा स्पोर्ट। इसके अलावा इस कार में फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन भी मिलेगी। यहाँ कार फुल चार्ज होने पर 280 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच चल सकती है। बात करें प्राइस और लॉन्च डेट की, तो अल्टोरा सीवी का प्राइस 12 लाख से स्टार्ट होगी तथा इसकी लॉन्च डेट 2021 फर्स्ट क्वार्टर। नेक्स्ट कार इन लिस्ट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट। इंडिया की लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति सुजुकी न्यू प्रोडक्ट लाने वाली है, जिसमें मारुति सुजुकी स्विफ्ट भी शामिल है। 2020 स्विफ्ट फेसलिफ्ट को जापान में पहले से लॉन्च कर दिया गया है। न्यू स्विफ्ट में सबसे ज़्यादा बदलाव इसके फ्रंट में किए गए हैं। इंटीरियर में भी कॉस्मेटिक चेंज देखने को मिलेगा। अपडेट कार में न्यू म्यूजिक सिस्टम, स्मार्ट हाइब्रिड एंड कनेक्टिंग फीचर देखने को मिलेगा। बात करें प्राइस की, पुराने स्विफ्ट के मुकाबले न्यू स्विफ्ट में 30,000 से 50,000 रुपये तक ज़्यादा पे करना पड़ सकता है एंड लास्ट डेट 2021। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो कार है होंडा i20, जल्द ही i20 फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाली है, जिसे टेस्टिंग के दौरान इंडियन सड़कों पर कई बार देखा गया है। डिज़ाइन की बात करें तो न्यू होंडा i20 मौजूदा मॉडल से ज़्यादा बोल्ट होने वाली है तथा यहाँ इंडिया की फर्स्ट कनेक्टिंग कार होगी, जिसमें 32 से ज़्यादा एडवांस फीचर देखने को मिलेगा, जैसे न्यू LED हेडलैम्प जो कि वरीना से इंस्पायर होगी, मोबाइल कनेक्टिंग, स्मार्ट एंड वॉच कंट्रोल, स्मार्ट वाईफाई कनेक्टिंग। बात करें प्राइस की, मौजूदा i20 से न्यू i20 फेसलिफ्ट प्राइस 50,000 से 80,000 रुपये तक महंगी हो सकती है। तो आप इन तीनों कारों में से कौन से कार खरीदना चाहते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। हम इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।